हे गाइस, वेलकम इन माय चैनल रानी क्रिएशन ब्लॉग। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल डोसा बैटर की रेसिपी। तो आपको डोसा बैटर अगर आपका अच्छा नहीं बनता है तो आप इस मेज़रमेंट से बनाइए, बहुत अच्छा बनेगा। सो गाइस, ये देखिए मैंने जो बाउल से आपको मेज़रमेंट करना है या फिर कप से, तो आप एक कप लीजिए, उसी कप से आपको दो कप चावल लेना है गाइस, और हाफ कप आपको लेना है उड़द दाल, और लेना है आपको 1/4 कप चना दाल। और अगर आपके पास है जो बोलते हैं चूड़ा या फिर चावल, आप जो खाना बनाते हैं चावल, वो अगर आपके पास बना हुआ है तो वो भी आप इसमें 2 से 3 चम्मच ऐड कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम। और ये लिया मैंने मेथी का दाना, जो मैंने 2 चम्मच लिया है। तो इन सबको हमें 5 से 6 घंटे तक सोक करने के लिए छोड़ देना है। अगर गर्मी है तो 5 से 6 घंटे काफ़ी है, और अगर आपको विंटर का है टाइम तो आपको ये पूरा सोक होने में पूरे ओवरनाइट का समय लेगा गाइस। तो आप इस तरह से चावल को लीजिए। ऐसे तो इसका चावल मोटा चावल आता है, बट आप जो चावल रोज़ाना यूज करते हैं उसका भी बना सकते हैं। तो इन सबको अच्छे से जब सोक हो गया है तो इन सबको एक साथ डालकर हमें ग्राइंड कर लेना है गाइस बिल्कुल। और ये बहुत अच्छे से ग्राइंड करके फाइन सा पेस्ट हमें बना लेना है। तो ये देखिए मैंने एक फ़ाइन सा पेस्ट बना लिया है इन सबको पीस कर। आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छा फाइन पेस्ट तैयार हुआ है हमारा, और ये बहुत सुंदर लग रहा है दिखने में। आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी यही रखनी है हमें। और अब अगर इसमें आपको गर्मी का टाइम है तो आप इसमें साल्ट ऐड कर दीजिए, और अगर विंटर का टाइम है तो आप बिल्कुल भी साल्ट मत यूज कीजिए। और ग्राइंड करने के समय गाइस बिल्कुल भी गर्म पानी या ठंडा पानी का यूज़ नहीं करना है, नॉर्मल वाटर का यूज करना है ताकि इसमें स्मेल ना आए। गर्म पानी से ग्राइंड करने से गाइस इसमें स्मेल आ जाता है। तो बस इसे हमें अब लीड को लगाकर हमें इसे 5 घंटे के लिए छोड़ देना है, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है इसलिए मुझे 5 आवर बहुत ज़्यादा होते हैं मैक्सिमम है। तो आफ्टर 5 आवर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छा फर्मेंटेट हो गया है। आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर फर्मेंटेट हुआ है, ये काफ़ी ऊंचा हो गया है फर्मेंटेट होकर। स्पून से मैं आपको दिखा रही हूँ हटा करके ये कितना अच्छा फर्मेंटेट हुआ है। इसके एयर बबल्स को आप क्लोजली देख सकते हैं कि ये हमारा डोसा का बैटर कितना अच्छा फर्मेंटेट हुआ है गाइस। ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनता है। तो अगर आपको ज़्यादा बैटर लग रहा है तो आप इसे हाफ़ जो यूज़ करना है उसे आप अलग बाउल में निकाल लीजिए, और हाफ़ दूसरे बाउल में निकाल कर फ्रिज में रख दीजिए, और जब बनाना हो निकाल कर बनाइए। और जिसे बनाना है उसमें आपको साल्ट ऐड करना है, उसके बाद आपको बनाना है गाइस। तो मैं आपको तवा पर दिखाती हूँ कि हमें कैसे बनाना है। इसे थोड़ा सा और पानी डालकर पतला करना है, उसके बाद आपको इस तरह से तवे पर बनाना है। तो आप देख सकते हैं मैंने तवा पर एक डोसा बैटर डाला हुआ है, और ये बहुत अच्छा बबल लिया है। आप इसके बबल्स को देख सकते हैं, ये कितना अच्छा बबल्स लिया है। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा बटर ऐड किया है, जो कि आपको येलो येलो दिख रहा होगा बटर। तो मैं आपको दूसरे साइड से भी दिखा सकती हूँ, ये बहुत अच्छे से सिका है बिल्कुल, क्योंकि डोसा तो पलटा नहीं जाता है, बट आपको मैं पलट के भी दिखा रही हूँ कि देखिए आप दूसरे साइड से ये बहुत अच्छे से सिक रहा है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही यम्मी दिख रहा है ना गाइस। तो आपको ये देखिए मैं पलट कर दिखाई, इस तरह से आपको रखना है और अच्छे से कुक करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने पानी मिलाकर और साल्ट मिलाकर इसे इतना पतला किया है। तो इस कंसिस्टेंसी का करने के बाद ही आप उसे तवा पे डालिए। ये हमारा नया फुजूरा का तवा मैंने लिया है नॉनस्टिक का, जो कि काफ़ी बेहतरीन है डोसा तवा। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा बैटर डाला और बाउल से उसे थोड़ा सा घुमाते हुए मैंने ये शेप दिया है। आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा एयर बबल आया है, और ये कितना सुंदर डोसा मतलब दिख रहा है गाइस। तो आप इस तरह से ज़रूर बनाइए हमारे इंग्रेडिएंट से, और आपका डोसा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। सो गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।